काम किए हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जैसे स्कूलों के अंदर हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया गया, और मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम और उनकी फीड उनके पेरेंट्स को सीधे देने का काम दुनिया में पहली बार हो रहा है। इसमें समय लगा, लगभग पिछले 3 साल से हम लोग सरकार के अंदर बैठ के इसके लिए काफी संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया, अलग अलग किस्म के भय पैदा किए गए, अलग अलग किस्म से अड़चने अड़ाई गई, यहां तक कि कोर्ट के अंदर भी केस किया गया। लेकिन हमें लगता था कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हमें विश्वास था कि जो हम कर रहे हैं इससे हमारे बच्चों को अच्छी सुरक्षा मिलेगी, इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना विश्वास करके हमारे स्कूलों में भेजते हैं, उन पेरेंट्स के मन में भी यह विश्वास होगा कि उनका बच्चा सुरक्षित है। इसी विश्वास को लेके हम लोग डटे रहे, हमने इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा, और आज मुझे बेहद खुशी है कि यह प्रोजेक्ट सफल हुआ। आज ये पहला स्कूल है जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया जा रहा है, और नवंबर तक दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर ये चालू हो जाएगा। अभी अभी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से आ रहा हूं, एक 6 साल की मासूम बच्ची का एक हैवान ने द्वारका के अंदर 2 दिन पहले बलात्कार किया। आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो मानसिक रूप से इतने विकृत हो चुके हैं, लेकिन एक ये भी बात है कि उनके मन का डर खत्म हो चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो मर्जी करें उनका कुछ नहीं होगा। उस छोटी सी बच्ची के साथ उसने बहुत ही वहशी तरीके से व्यवहार किया, लेकिन वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा था। उस सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया और वो आदमी चंद घंटों के अंदर पकड़ा गया। मुझे लगता है अगर उसको ये पता होता कि यहां सीसीटीवी कैमरा है तो शायद वो कुकर्म भी ना करता। सीसीटीवी कैमरा जहां एक ओर वारदात होने के बाद हमें अहम सुराग देता है दोषी तक पहुंचने के लिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए, दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरे लगने से एक ऐसी व्यवस्था पैदा होती है कि कोई भी गलत काम करने से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने गलत काम किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, यहां पे सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। आज का माहौल इतना खराब हो गया है कि कोई भी अपने बच्चे को घर से बाहर भेजता है तो मां बाप का दिल धक धक करता रहता है कि शाम को बच्चा सुरक्षित लौट के आएगा कि नहीं आएगा। अब हर मां बाप ये सीसीटीवी कैमरे लग जाने के बाद आश्वस्त हो सकता है, सारा दिन देख सकता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, क्लास के अंदर मौजूद है। मां बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जिस तरह से अभी मनीष जी ने इतनी सारी बातें बताई कि बच्चों को ये बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूलों के अंदर जो कुछ बच्चे हर जगह शरारती बच्चे होते हैं, वो जिस तरह से दूसरों को डिस्टर्ब करते थे उनके ऊपर लगाम लगेगी, बच्चे जो स्कूल से भाग जाया करते थे उसके ऊपर लगाम लगेगी, अब बच्चों को क्लास में डिसिप्लिन तरीके से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे। कुछ लोगों ने कहा प्राइवेसी बच्चों की खराब होगी, बच्चे कोई प्राइवेट काम करने नहीं आते स्कूल के अंदर, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं, अनुशासन सीखने के लिए आते हैं,
अच्छा नागरिक बनने के लिए आते हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए आते हैं, इसमें कौन सी प्राइवेसी खराब होगी? बच्चों को समस्या नहीं है, पेरेंट्स को समस्या नहीं है, टीचर्स को समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके हाथ में आपके बच्चे के क्लासरूम की तस्वीर लगातार लाइव बेसिस पे वीडियो आया करेगा। ये जो सरकारी स्कूल है ये एक तरह से सरकार है, सरकार एक एक मिनट सीधे आपके प्रति जवाबदेह होगी। आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आज मेरे बच्चे के क्लास में ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं हुई। अगर हमारे दिल के अंदर कुछ काला होता, अगर हमें लगता कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, अगर हमें लगता कि स्कूल ठीक से नहीं चल रहे, तो हम कभी आपको इसकी फीड नहीं देते। हम दिखाने के लिए कह देते कि सीसीटीवी, अभी तक क्या होता था, सीसीटीवी कैमरे लगते थे, चार दिन में खराब हो जाते थे। अब अगर कोई सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ, पेरेंट्स हमारी गर्दन पकड़ सकते हैं, जी दस दिन से कैमरा नहीं चल रहा, मेरी फीड आनी बंद हो गई है। तो हमारी सीधी जवाबदेही, सरकार की सीधी जवाबदेही आपके कैमरे के ऊपर हर मिनट आया करेगी कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये असली जनतंत्र है, इससे जनतंत्र मजबूत होगा। जनतंत्र पांच साल में एक बार वोट डालने को नहीं कहते कि पांच साल में एक बार वोट डाला और फिर पांच साल जो आया उसने कुछ काम ही नहीं करा, शक्ल ही नहीं दिखाई। असली जनतंत्र ये है, एक एक मिनट के अंदर हम आपको बताएंगे आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है। और मैं आज यहां पे कह के जा रहा हूं, देख लेना ये सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट इतना शानदार है, अगले साल जो आपके बच्चों के नतीजे आएंगे वो नतीजे इतने शानदार आएंगे, वो केवल इस सीसीटीवी कैमरे की वजह से होंगे। तो अपने बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, शिक्षा अच्छी होगी, पूरा माहौल सुधरेगा और आपके बच्चे पढ़ेंगे तो देश पढ़ेगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आज इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए जितनी खुशी मुझे हो रही है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में इतनी खुशी कभी महसूस की। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।